सी एच एस एल दो हजार बीस का ग्यारह अगस्त का इंग्लिश वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो अब आ गए नंबर टू पर पच्चीस सवाल है पंद्रह मिनट के लगभग का टारगेट रख लेते हैं पहला सवाल सब्सिट्यूशन बताना है ये तो देख के बन जाएगा तमाम बार देखा है इसको रिटर्न बैक दोनों नहीं होता सुपर फ्लूस हो जाता है या तो रिटर्न रखो या बैक रखो तो यहां पे लगा देंगे ऑप्शन नंबर थ्री यू मस्ट रिटर्न द बुक रिपोर्टेड स्पीच स्पीच चेंज करना है यहाँ पर एम्प्लॉय आस्ट द मैनेजर वैन डू आई है वर्क आप कह रहे हो सेकेंड ऑप्शन वैन ही है कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल सही है रिपोर्ट फॉर द वर्क सेकेंड वाला ही यहाँ पर इनफैक्ट सही भी है यहाँ पर तो मैनेजर एम्प्लॉय से पूछ रहा है टोल्ड तो होता नहीं है वैसे भी हाँ पे सही है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिजास्टर्स तो पढ़ते समझ में आ गया फर्स्ट कैसे हो जाएगा अमर इनकरेक्टली वाला बताने है अपने को सेकेंड वाले में प्रॉब्लम है कैन्फिडेंट क्या होता है कॉन्फिडेंट होता है ये वाला इसमें है। डिजास्टर्स में क्या दिक्कत दिख रही है मीनिंग तो ठीक है डिजास्टर्स पता है प्रोवोक भी पता है एम्बुश भी पता है घात लगा के हमला करना होता है एम्बुश फिल इन द ब्लैंक स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस पार्शली एंड ओन स्टेट स्कूल फिजिकल क्लासेस पार्शली शुरू करेंगे और राज्यों ने राज्य या केंद्र क्या करता है प्रोसीजर या गाइडलाइन बनाता है यहां पर लगा देंगे डिवाइज अडोप्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंसिस्ट नहीं करेंगे वो लोग गाइडलाइंस या रूल्स को बनाते हैं तो दे डिवाइज कंडीशंस को स्कूल वाले फिर फॉलो करेंगे इंडियन बताना है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स एडवांटेज उठाना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का बिल्कुल सही है आपका आंसर फर्स्ट एरर बताना इसमें ओनली फाइव मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन कह रहे हो आर नहीं होगा क्या लगाएंगे इसमें फिर नो no एरर का ऑप्शन तो है नहीं तो एरर तो है ड्यूरिंग द फंक्शन तो ठीक लिखा हुआ दिख रहा है ओनली फाइव मिनट्स भी ठीक लग रहा है अब या तो सेकेंड या थर्ड ओनली फाइव मिनट्स आर अलाउड फॉर इट्स स्पीकर क्या करते हैं इसमें Hmm. आप कह रहे हो आर की जगह इस कर दो ओनली फाइव मिनट इज अलाउड उसको अगर आप ऐसा ग्रुप कर रहे हो पांच मिनट को एक सिंगल क्वांटिटी की तरह यहां पे तो आर की जगह इज लगा देंगे थर्ड वाला एरर बताना ग्रामेटिकल ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई हाँ ये पढ़ने में अजीब है या तो कर दे वी कुड नॉट स्कोर हाई या वी वर नॉट एबल टू स्कोर हाई कुड नॉट बी एबल तो नहीं होता ऑप्शन तो नंबर थर्ड में प्रॉब्लम है एंटोनिम बताना है ग्लूमी का ये तो अपना देखा हुआ है एंटोनिम बन जाएगा ब्राइट इसमल और डल तो इसके अपने सिनोनिम बन जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज एवेन्यू हाईवे प्रोमेनेड प्रोरो दोनों ही मेरे लिए नए हैं प्रोमेनेड मेन रोड फॉर पब्लिक यूज़ अ बिजी एवेन्यू भी बताए रोड से संबंधित ही होता है हाँ ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा बिजी मेन रोड फॉर खैर इन दोनों का मीनिंग भी अपने को नहीं पता है इस वाले को करते हैं मार्क इस वाले को करते हैं मार्क इन दोनों को सर्च करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly होते क्या आई है प्रोमेनेड और थोरोफेयर अंडरलाइन <laughs> में दिखाना है एरर है या नहीं वी हैव फिनिश्ड वर्क फॉर द डे सो वी लेट वी सो लेट वी गो होम अर्ली अस होना है वी नहीं होता अस गो होगा तो थर्ड वाला यहां पे सही हो जाएगा सिनोनिम बताना है अपॉलिंग का नहीं पता है तो ऑप्शन यूज कर लो ऑप्शन से बन जाएगा ये फैंटास्टिक रिमेंडर्स और ऑसम awesome. ये तीनों एक जैसे सिनोनेमस जैसे हो गए अपॉलिंग बनेगा यहां पे, शॉकिंग अपॉलिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा डिस्गस्टिंग टाइप का क्या रही क्या खराब काम कर दिया वैसा तो कुछ अपॉलिंग हिज हिज बिहेवियर वॉज वेरी अपॉलिंग तो बहुत हॉरिबल था शॉकिंग था डिस्गस्टिंग था ऐसा फिल इन द ब्लैंक वेन यू स्पीक देयर आर गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेजेस दैट डैश योर वर्ड्स इंस्ट्रैक्ट अचीव अंपनी अकंपलिश जब हम बोलते हैं तो साथ में हमारे गेस्टर्स भी होते हैं बॉडी लैंग्वेज भी होती है वो शब्दों का क्या करते हैं अकम्पलिश uh, नहीं लगाएंगे इसमें अकंपनी लगाएंगे जैसा अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द में बोलता भी जा रहा हूं साथ में मेरे गेस्चर्स भी हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको अकंपनी कर रहे हैं और उसमें वजन डाल रहे हैं हेल्प कर रहे हैं समझाने में हेल्प कर रहे हैं इस तरह से अकम्प्लिश होगा कि उसका काम कंप्लीट करके देना कंप्लीट करना खत्म करना इस तरह से तो शब्दों के साथ जो गैशर्स हैं वो क्या करते हैं कंजंक्शन में चलते हैं दोनों एंटोनेम कर्ट कर्ट ऑप्शन यूज करो यहां पे। हाँ सही है ना इम्पोलाइट रूड और डिसमल ये हो गया सिनोनेम कर्ट अपना बन जाएगा यहां पे पोलाइट होगा इसका एंटोनिम एक्टिव पैसिव वॉइस फिफ्टीन चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम बाय द पुलिस तो स्टार्ट तो पुलिस से होगा ऑप्शन में देखो पढ़ो एक बार है <laughs> ना हाँ फर्स्ट वाला हो जाएगा सेकेंड वाला तो मीनिंगलेस हो रहा है पुलिस वालों को रेस्क्यू करा रहे हैं बच्चे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इडियम बताना है एट अ स्टोन थ्रो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस एट अ स्टोन थ्रो होता है बहुत एक शॉर्ट डिस्टेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ क्विक सडन मूवमेंट फ्लिक ना ये स्पैक और फ्लैक क्या होता है ये तो कोई आइडिया नहीं इसका लेकिन फ्लिक तुरंत मूवमेंट ये होता है ऑप्शन नंबर फोर सीनों ने बताना है ट्रेल का ट्रेल का मतलब होता है जैसे जंगल के बीच से निकलती हुई पगडंडी होती है ना उस तरह का पाथ ट्रेल होगा कोई रास्ता यहां पे बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ट डिलेमा अनप्रिटेंशियस रिकरेंट एक्सीलेंस सेकेंड में लग रहा है कैसे सुधारेंगे उसको अनप्रिटें की जगह टी होता है अनप्रिटेंशियस एस मतलब क्या होता है इसका अनप्रिटेंशियस का कि ऐसा व्यक्ति जो वो है नहीं फिर भी प्रिटेंड करे होने का अनप्रिटेंशियस होगा कि प्लेन जैसा है वैसा ही वो दिखा रहा है सिंपल और डिलेमा क्या होता है ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है डिलेमा दुविधा में होना हाँ, यस जंबल सेंटेंस कौन सा ऑप्शन लगाए किससे शुरू करें सी से स्टार्ट करेंगे देर आर सर्टन वैल्यूज उन वैल्यूज में से पहली ये है तो सीबी और बी का तो पेयर सीधा सीधा बन रहा है ये तो दिख ही रहा है सी बी यहां पे आ रहा है और कहीं पर भी नहीं आ रहा ऑप्शन नंबर फोर ये भी जंबल सेंटेंस फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो लिंक तो बन जाएगा आप कह रहे हो पहला ऑप्शन सी बी का पेयर बना रहे हो कि मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में लाइट वॉस क्रिएटेड नॉट वंस बट ट्वाइस पहले यहां पर तो सी के बाद बी तो हा नहीं है पेयर बन गया सी बी सी बी एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए क्लोज टेस्ट एक बार पूरा रीड कर लो पहले पढ़ पहला ऑप्शन व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर स्पेस ट्रेवल ऑप्शन कट रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर स्पेस ट्रेवल इन द लॉन्ग टर्म डैश विल ह्यूमंस गो आफ्टर दे हैव एक्सप्लोर्ड आर सोलर सिस्टम हाउ वेयर वेन हाउ आप कह रहे हो हाउ होगा हाउ विल ह्यूमंस ह्यूमंस गो आफ्टर दे हैव एक्सप्लोर्ड आवर सोलर सिस्टम दूसरी जगह जाने की बात हो रही है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है तो कैसे जाएंगे यहां पे सवाल नहीं है कुछ और बनेगा व्हेन व्हेन कब जाएंगे नहीं नहीं कहां पर जाएंगे ये सवाल है। आगे लिखा हुआ है ना कि इस गैलेक्सी में जाएंगे वहां पर रहेंगे नए प्लेनेट पर सेटल इन हो जाएंगे वो सब करेंगे तो यहां पे है कि वेयर जाएंगे कहां पर आफ्टर दे हैव explored our सोलर सिस्टम कि पूरा सोलर सिस्टम अपना वाला एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग कहां पर ट्रैवल करेंगे तो वेयर सेकेंड ब्लैंक इट इज सेट दैट स्टार ट्रेक कुड होल्ड स्टार ट्रैक क्या हैल्ड द डैश टू दीज क्वेश्चन इन सवालों का जवाब आंसर करेक्ट थर्ड इट इज प्रडिक्टेड दैट ट्रेवल टू अदर गैलेक्सीज विल ओनली बी डैश इन ह्यूज स्टारशिप्स इम्प्लीमेंटेड अचीव पॉसिबल इमेजिड इम्प्लीमेंटेड इन ऐसा प्रडिक किया जा रहा है कि ऐसा जो भी स्पेस ट्रैवल रहेगा दूसरी गैलेक्सी गैलेक्सीज में वो स्टारशिप्स बड़ी बड़ी स्टारशिप्स में ही पॉसिबल होगा संभव होगा इंप्लीमेंटेड थ्रू होता तो भी एक बात थी इम्प्लीमेंटेड इन तो नहीं करेंगे अचीवड इन पॉसिबल इन या इमेजेंड इन अगर यहां पे होता कुड ओनली भी तो यहां पे हो सकता था इमेजेंड ओनली बी जमेंट विल ओनली बी आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे लिख देंगे अपन पॉसिबल कि केवल बड़ी बड़ी स्टारशिप्स में ही ऐसा करना पॉसिबल होगा थोड़ा सा ट्रिकी है ये दिस विल वांडर देखो वांडर ना आपकी वाली स्पेलिंग याद आ रही होगी आपको डब्ल्यू एन डी आर वाली <laughs> वंडर थ्रू स्पेस फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ईच ऑफ दैम विल कैरी अ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन प्रपोर्शन कॉलोनी इंस्टिंग आगे भी पढ़ते हैं सम ऑफ दोपल विल टेक ओवरबल न्यू प्लैनेट एंड सेटल देअर इन स्टार इन स्टारशिप्स में क्या लेके जाएंगे वो लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन पॉपुलेशन आपका है. बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे कुछ जहां पे नए नए प्लेनेट मिलेंगे न्यू प्लान एंड सेटल डाउन देअर दिस सर्च फॉर द न्यू प्लैनेट टू सेटल इन विल कंटिन्यूटिलइफ ऑन प्लैनेट अर्थ कु जस्ट अ डैश मेमोरी इसको अपन इमेजिनरी मेमोरी नहीं बोलेंगे कोई ए, कोई ऐसा समय जो बहुत बहुत पहले बीत गया हो तो जो इसे अब याद ना किया जाता हो याद ना आए ऐसा कुछ डिस्टेंट डिस्टेंट मेमोरी डिस्टेंट मेमोरी करेक्ट हो जाएगा ताकि लोग अर्थ पर रहते थे ऐसा भूल जाएंगे तो वो हो जाएगी अपनी डिस्टेंट मेमोरी थोड़ा सा ट्रिकी था इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत एक फ्यूचरिस्टिक वाला है ये एक आ, आ, किस तरह का बोल रहे हैं फैक्ट बेस्ट तो ये है नहीं इसको आ, किस कैटेगरी में डाल सकते हैं ऐसे पैसेज को फिक्शन टाइप में फिक्शन में साइंस फिक्शन टाइप चल रहा है स्पेसशिप आ गई सब कुछ आ गया